हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मुस्कान हिंदी क्लासेस चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे उसने कहा था कहानी, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई है। इससे पहले मैं आपको क्लास आरंभ करने से पहले बता दूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग टारगेट 2024 यानी जून 2024 के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यूनिट 7 हमारी चल रही है। तो आप सभी जो न्यू स्टूडेंट आए हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हिंदी का, ऑल 10 यूनिट्स का प्लस पेपर 1 का मिलाकर, तो आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं, ओनली 600 रुपीज़ का। बहुत ही कम प्राइस पर मैंने ये उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। साथ ही आप सभी जो न्यू स्टूडेंट आए हैं वो पिछले क्लासेस को देखना ना भूले। सभी महत्वपूर्ण क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए, अपनी पिछली क्लासेस को देखना ना भूले। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, यूनिट 2, यूनिट 7 अभी हमारी चल रही है, यूनिट 8 की क्लासेस आप देख सकते हैं, और यूनिट 9 में भी आपको कुछ क्लासेस मिल जाएगी। जल्दी इन यूनिट्स को जो अधूरी हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास है हमारी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। हम यहाँ पे टोटल आपके पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, तो हम यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार पढ़ रहे हैं। आज ये हमारी लगभग 5वीं या 6ठी क्लास आपकी है कहानी पर। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है उसने कहा था कहानी का सन 1915 है, और इसका संवत वर्ष देखें तो 1972 होगा। आजकल परीक्षा में संवत वर्ष भी दे दिया जाता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें याद नहीं होता। तो आपको केवल ईसवी सन में सभी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष याद करना है, और अगर संवत वर्ष में आ जाए तो ईसवी सन में ही आपको इसी में जो है 57 प्लस कर देंगे, तो आपका संवत वर्ष खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। मैं अपनी हर क्लास में ये बताती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे नए, काफ़ी सारे स्टूडेंट नए जुड़ते हैं, तो उनके लिए। तो सन 1915 में ये जो कहानी है ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी। सरस्वती पत्रिका आप सभी जानते हैं बेहद ही प्रसिद्ध पत्रिका रही अपने समय की। सरस्वती पत्रिका काशी से निकलती थी और यह एक मासिक पत्रिका थी, यानी कि मंथली पत्रिका थी, जो माह में एक बार निकलती थी। अब हम सरस्वती पत्रिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरस्वती पत्रिका 14 अक्टूबर 1899 को नागरी प्रचारणी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया। तो सरस्वती पत्रिका को जब लाने की जब योजना बनाई जा रही थी, तो नागरी प्रचारणी सभा हुआ करती थी, उसने क्या किया, एक मंडल की योजना बनाई कि एक कुछ सदस्यों का, कुछ लोगों का एक मंडल होगा जो कि इस पर कार्य करेंगे, पत्रिका को लाने में कार्य करेंगे। तो इसमें जो मंडल में थे इसमें कितने सदस्य हैं, टोटल 5 सदस्य इसमें हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन लोग शामिल थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थे, बाबू श्याम सुंदर दास थे, बहुत प्रसिद्ध नाम रहा इनका इस सरस्वती पत्रिका कार्य में। राधा कृष्ण दास थे, किशोरीलाल गोस्वामी और कार्तिक प्रसाद खत्री जी थे। ये कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जो मंडल में शामिल थे, आरंभिक जो सरस्वती पत्रिका के लिए मंडल बनाया गया था। सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा है। यानी आचार्य शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने जो द्वितीय उत्थान में जो एक टॉपिक है उनके पुस्तक में, उसमें इन्होंने ये कथन कहा है कि सरस्वती पत्रिका अपने समय की सारी प्रवृत्तियों, प्रवृत्तियों का अर्थ होता है विशेषताओं को, सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका है। यानी अब आप समझ सकते हैं ये जो शुक्ल जी का कथन है ये इस पत्रिका के बारे में है, तो उनके कथन महत्वपूर्ण होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि किसका कथन है, या किस शुक्ल जी का यह कथन किस पत्रिका के बारे में, तो ये सरस्वती पत्रिका के बारे में है। सरस्वती पत्रिका का अंक जो है आरंभ जो हुआ था वो 1 जनवरी सन 1900 में इसका आरंभ हुआ था, यानी ये निकलनी आरंभ हुई थी। सरस्वती पत्रिका का नामकरण किसने किया था, यानी सरस्वती पत्रिका को सरस्वती नाम किसने दिया था, तो चिंतामणि घोष जी ने दिया था, नामकरण किया था इस पत्रिका का। सरस्वती का प्रकाशन जो था वो इंडियन प्रेस द्वारा किया गया था, जो कि इलाहाबाद में निर्मित थी और वर्तमान प्रयाग से, तथा संपादन कार्य जो
हुआ वो काशी वाराणसी में होता था। तो सरस्वती का जो प्रकाशन है वो इंडियन प्रेस ने किया, ये आप याद रखें, जो कि इलाहाबाद में थी और वर्तमान में इलाहाबाद को क्या कहते थे, प्रयाग कहते थे, और यानी प्रयागराज कहते थे से, तथा संपादन कार्य जो होता था वो काशी वाराणसी में होता था इस पत्रिका का। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शती के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है, 20वीं शती का आरंभिक चरण का विश्वकोश। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में सरस्वती पत्रिका में छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश पूर्णतः निषिद्ध था। तो छायावादी प्रवृत्तियों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसमें आने नहीं दिया। इनके संपादन काल में हिंदी कविता, कहानी, भाषा, निबंध, आलोचना एवं अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ। यानी जब इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे थे तब इसमें और भी ज़्यादा इस पत्रिका ने विकास पकड़ा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के समय से छायावादी प्रवृत्तियों की झलक सरस्वती में दिखाई देने लगी। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य है सरस्वती पत्रिका के बारे में कि शुक्ल जी ने जो है पूर्णतः निषेध छायावादी प्रवृत्तियों को किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है किसने किया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सरस्वती पत्रिका के जो संपादक रहे हैं उनको हम देखेंगे क्रम अनुसार। तो संपादक और यहाँ पे संपादन का वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि हमने देखा कि सन 1900 से इस पत्रिका का आरंभ हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे श्याम सुंदर दास जी रहे जो कि सन 1900 से 1902 तक इनका संपादन किया इन्होंने सरस्वती पत्रिका का। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी आए जो कि जनवरी 1903 से और 1920 तक इन्हीं ने इसका संपादन किया सरस्वती पत्रिका, काफ़ी लंबे समय तक किया। फिर आए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद की प्रवृत्ति नहीं आने दी, लेकिन जो इनके बाद ठीक अगला था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो था, इसके समय से छायावादी प्रवृत्तियां देखने को मिलने लगी सरस्वती पत्रिका में। ये रहे 1921 से 1925 तक। फिर देवीदत्त शुक्ल जी 1925 में। फिर हरिकेश घोष जो कि इंडियन प्रेस के मैनेजर भी थे 1926 में। फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी फिर से आए 1926 से 1928 में। फिर पंडित ठाकुर दत्त मिश्र 1928 से 1934 तक रहे। फिर अगले श्रीनाथ सिंह बाल सखा के संपादक भी रहे थे 1934 से 1935 एक वर्ष तक। फिर उमेश चंद्र मिश्र 1935 से 1945 तक। देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त तथा श्री नारायण चतुर्वेदी ने भी इसका संपादन किया था। तो ये अन्य कुछ महत्वपूर्ण रहे, तो ये महत्वपूर्ण मैंने आपको यहाँ पे जो आरंभिक थे उनको करा दिया। अब हम यहाँ पे लेखक के बारे में देखेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पे संपादक थे और उनका संपादन वर्ष मैंने आपको करा दिया है, परीक्षा उपयोगी जितना महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त आप अन्य जानकारी भी यहाँ अपने आप स्वयं सेल्फ स्टडी से इस पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे और अन्य चीज़ों को भी देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं, लेखक का जीवन परिचय जन्म से लेकर और उनकी मृत्यु तक यहाँ पे हम सब कुछ देखने वाले हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 गुलेर गांव कंगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ, यानी ये हिमाचल प्रदेश के थे। उनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री और उनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। लक्ष्मी देवी पंडित श्रीराम शास्त्री की तीसरी पत्नी थी। प्रतिभा के धनी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने अभ्यास से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं पर आसारण अधिकार हासिल किया। यानी इनको अन्य भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्हें मराठी, बंगला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मनी आदि भाषाओं की भी अच्छी जानकारी थी। यानी ना केवल स्थानीय भाषा, ना केवल जो हमारे भारतीय भाषाएँ जो प्रचलित थी ना केवल उन्हें, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषाएँ भी उनको अच्छी जानकारियाँ थी। उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। साहित्य, दर्शन, भाषा, विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व, ज्योतिष सभी विषयों के वह विद्वान थे। इनमें से कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर गुलेरी जी ने साधिकार नहीं लिखा हो। वे अपनी रचनाओं में स्थल पर वेद, उपनिषद, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत के संदर्भों का संकेत दिया करते थे। इसलिए इन ग्रंथों से परिचित पाठक ही उनकी रचनाओं को अच्छी तरह समझ सकता था। ग्रंथ रचना की अपेक्षा स्फुट के
रूप में ही उन्होंने अधिक साहित्य सृजन किया। अब हम उनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। चंद्र शर्मा को बचपन से ही घर में संस्कृत भाषा, वेद पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन एवं धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला था। यानी इनके पिताजी भी जो है पंडित्य थे, इनकी जाति भी पंडित्य थी, तो इसलिए यहाँ पे इनको घर से ही पंडित्य का माहौल मिला। चंद्रधर ने इन सभी संस्कारों और विधाओं को जीवन में शामिल किया। जब गुलेरी जी 10 साल के ही थे तो उन्होंने एक बार संस्कृत भाषा भाषण देकर यानी संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को हैरान कर दिया था। यानी संस्कृत भी बड़ी अच्छी थी उनकी, जबरदस्ती। पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी का यहाँ तक कहना था कि वह 5 साल में अंग्रेजी का टेलीग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे। चंद्रधर ने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से पास की। यानी पढ़ाई में पठन पाठन में काफ़ी अच्छे थे। बचपन से ही परिवार से ही उन्हें जो है यह सारी विद्याएँ जो है हासिल होती रही। चंद्रधर ने BA की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में रहे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी पास होते रहे। हर कलकत्ता विश्वविद्यालय से FA प्रथम श्रेणी में दूसरे स्थान पर और प्रयाग विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी से पहले स्थान से पास करने के बाद वह चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई हालातों के कारण जारी ना रख पाए। यानी उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से BA तक यहाँ पे पढ़ाई की थी और कलकत्ता विश्वविद्यालय से FA प्रथम श्रेणी में। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखन कार्य लगातार जो हैं लगातार चलते रहे, क्योंकि स्वयं अध्याय जो है व्यक्ति का हमेशा चलता रहता है। भले ही परीक्षा जो है वो समाप्त हो जाए या भले ही आप कह सकते हैं कि हमारा करियर मिल जाए, हम सक्सेस हो जाए, लेकिन व्यक्ति के जो सेल्फ स्टडी है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। उसी को कहते हैं कि व्यक्ति अध्ययन व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा है और निरंतर जो है अध्ययन हमें करते रहना चाहिए। अब उनका करियर हम देखते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी ने अध्ययन काल के दौरान ही उन्होंने 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और उन्होंने 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि समालोचक जो पत्र है उसका संपादक कौन थे, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। सन 1902 में ये एक मासिक पत्रिका थी, इन्होंने इसका संपादन का भार संभाला। प्रसंग वर्ष कुछ वर्ष का ही था कि नागरी प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। यानी नागरी प्रचारणी के मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक माला और सूर्य कुमारी पुस्तक माला का संपादन भी किया और नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी वे रहे थे। तो ये इनके बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो कि क्वेश्चन जो 4-5 लाइनों के होते हैं जिसमें से हमें सही चुनने होते हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में क्या क्या सही है, तो उसमें उसने कहा था कहानी के भी 2-3 ऑप्शन डाल देगा और कुछ लेखक के बारे में भी डाल देगा। तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़कर जाएं, क्लास को बार बार देखें। जयपुर के राज पंडित के कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी जी का राजवंश से गहरा संबंध रहा था। वह पहले खेतड़ी नरेश जयसिंह के और फिर जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक रहे। 1904 में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। चंद्रधर का अध्यापक के रूप में उनका बड़ा मान सम्मान था। अपने शिष्यों में चंद्रधर लोकप्रिय तो थे ही, इसके साथ अनुशासन और नियमों का वह सख्ती से अनुपालन करते थे। उनकी साधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया। तो जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे ये भी अपने समय के काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उस समय यह भी खुल चुका था, तो वहाँ पे भी ये प्रोफेसर का कार्य किया इन्होंने। 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये हिंदू विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर रहे और मेयो कॉलेज में भी इन्होंने अध्यक्ष का कार्य संभाला। 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय के उन्होंने बनारस आकर
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विधा विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास धर्म से संबंध मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार भी ग्रहण किया। इसी बीच परिवार में कोई सुखद घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। निबंधकार के रूप में चंद्रधर जी बड़े प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा निबंध लिखे। 1903 ईस्वी में जयपुर से जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुआ। तो ये समालोचक पत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका संपादन कार्य इन्होंने किया और इन्होंने जो है 100 से भी ज़्यादा निबंध लिखे थे जिसके संपादक वह खुद रहे। तो समालोचन के संपादक ये रहे। उन्होंने पूरे मनोयोग से समालोचक में अपने निबंध और टिप्पणियां देकर जीवंत बनाए रखा। यानी अच्छे से ये जो इनकी जो पत्रिका निकली थी समालोचक, इसमें ये समालोचक अपनी निबंध की टिप्पणियां दिया करते थे। चंद्रधर के निबंध विषय अधिकतर इतिहास दर्शन पे होते थे। दर्शन पर, इतिहास पर, धर्म पर, मनोविज्ञान और पुरातत्व संबंधी इनके अधिकतम विषय पर लेख हुआ करते थे जो ये अपनी पत्रिका में छपवाया करते थे। चंद्रधर के निबंध विषय मात्र 39 वर्ष की जीवन अवधि को देखते हुए गुलेरी जी के लेखन का परिणाम और उनकी विषय वस्तु तथा विधाओं का वैविध्य सचमुच विस्मयकर है। उनकी रचनाओं में कहानी या कथाएं, आख्यान, ललित निबंध, गंभीर विषयों पर विवेचनात्मक निबंध, शोध पत्र, समीक्षाएं, संपादकीय टिप्पणियां, पत्र विधा में लिखी टिप्पणियां, समकालीन साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान, कला आदि पर लेख तथा वक्तव्य, वैदिक पौराणिक साहित्य, पुरातत्व, भाषा आदि पर प्रबंध लेख भी लिखा करते थे और टिप्पणियां भी लिखा करते थे। ये सभी विषयों पर ये जो है लिखा करते थे। अपने 39 वर्ष के छोटे जीवन काल के जी गुलेरी जी किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना तो नहीं की, लेकिन उन्होंने फुटकर रूप में काफ़ी लिखा था। अनगिनत विषयों पर लिखा और कई विधाओं की विशेषताओं और रूपों को समेटते सामंजित करते हुए लिखा। उनके लेखन का एक बड़ा हिस्सा जहां विशुद्ध अकादमिक तथा शोध परक है, शास्त्रज्ञता उनके लेखन का बड़ा हिस्सा विशुद्ध शोध परक है उनकी शास्त्रोत्तर पंडित्य कवि परिचायक है, वहीं उससे भी बड़ा हिस्सा उनके खुले दिमाग, मानवतावादी दृष्टिकोण और समकालीन समाज, धर्म, राजनीति आदि से शोध सरोकार का परिचय देता है। लोक से यहाँ सरोकार उनकी पुरानी हिंदी जैसे अकादमिक और महर्षि च्यवन का रामायण जैसी शोध परक रचनाओं में भी दिखाई देता है। तो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कार्य उन्होंने लंबे समय तक किया तो इसलिए शोध पर भी उन्होंने अच्छा कार्य जो है किया। इन बातों के अलावा गुलेरी जी के विचारों की आधुनिकता में हम आज उनके पुराविष्कार की मांग करते हैं। अब हम उनकी कुछ रचनाएं देखेंगे। ऐसे निबंध यहाँ पे दिए हुए हैं तो ये निबंध में जो है ये कछुआ धर्म तो काफ़ी प्रसिद्ध है, आ भी चुका है कि किसका है प्रीवियस ईयर में, तो देख लेते हैं। शैशुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत और कछुआ धर्म और आँख जो है इनके निबंधों में शामिल है। उसके बाद यहाँ पे उनकी कविताओं के अंतर्गत एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वेनोक वर्ण, अहिताग्नि और झुकी कमान, स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना। अब इसमें आगे देखते हैं कहानी संग्रह में इनके उसने कहा था जो हम आज पढ़ेंगे, सुखमय जीवन इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है और बुद्धू का काटा, ये तीनों कहानियां महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में आ चुकी है। कि निम्न में से क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन में दी हुई थी और एक जो है वो अलग से रखी हुई थी। तो आपको ये तीन तो याद ही रखनी है क्योंकि ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। और प्रसिद्धि में देख लेते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्धि 1915 में सरस्वती मासिक में प्रकाशित कहानी उसने कहा था कि कारण मिली। यानी इन्होंने जो है अन्य रचनाएं भी लिखी लेकिन इनकी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो प्रसिद्धि है वो जो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसने कहा था कहानी के कारण इनको प्रसिद्धि मिली, यानी इसी कहानी के कारण ये जो है इतने प्रसिद्ध हुए। यह कहानी शिल्प एवं विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी जो है वो मील का पत्थर जाना मानी जाती है या जानी जाती है।
चंदा शर्मा गुलेरे की मृत्यु पीलिया के बाद तेज बुखार से मात्र 39 वर्ष की आयु में हो गई थी। 12 सितंबर 1922 ईस्वी में काशी में हुई थी। अब हम मूल कहानी पढ़ेंगे अपनी, उसने कहा था कहानी को बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल मूल कहानी को कम्प्लीटली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसने कहा था मूल कहानी चंदर शर्मा गुलेरी जी की, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। तो ये पहला जो है, पहला ही आरंभिक लाइन है इनकी, दो लाइन, तो इसको आप ज़रूर याद करें क्योंकि ये जो है कई बार क्रम से भी जो है लाइनों को पूछ लिया जाता है। तो ये आरंभिक लाइन ये वाली है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे इन दो लाइनों को, और ये आरंभ में ही आती है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़ों की नानी से अपना संबंध करते, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों की चींग कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानी निराश और शोभ के अवतार बने नाग की सीध चले गए अमृतसर में, उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गाली गलियों में हर एक लड्डी वालों के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसाही हटो भाई जी ठहराना भाई जी आने दो लाला जी हटो बाझा कहते हुए सफ़ेद फेटों खच्चरों और बत्तखों के गन्ने और खोमचे और घोड़े वालों के जंगल में से राह खेते हैं यानी राह लेते हैं। गाड़ी वालों का यहाँ पे जिक्र हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में, तो वो इन इन शब्दों का जो है अपना उपयोग करते हैं जब वह अपना गाड़ी का कार्य करते हैं, जैसे सवारी को लाने का कार्य। क्या मजाल है कि जी को साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े, यह बात नहीं कि उनकी जीभ जलती नहीं पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावाली के ये नमूने हैं, हट जा जीने जोगी, हट जा कर्मा वाली, हट जा कुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी वालिये। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जान जीने योग्य है ना, हट जा जीने जोगे का मतलब है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यो वाली है, कर्मा वाली है यानी भागो वाली है, पुत्रों की प्यारी, पुत्ता प्यारी का अर्थ होता है पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो ये जब कोई बुढ़िया रास्ते में आ जाती है इक्के वाले गाड़ी वालों के, तब वह इन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ये भी चीज़ आप इसको ध्यान में रखेंगे कि वो कब यह शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब कोई बुढ़िया गाड़ी के आगे आ जाती है तब। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। तो वो दोनों किस बिरादरी के थे, तो वो दोनों जो थे सिख थे। वे अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। लड़का क्या लेने के लिए आया था दुकान पर, मामा के बाल धोने के लिए, केश यानी बाल धोने के लिए दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले कपड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है मगरे में, और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है। तो अब वो क्या बातें पूछ रहा है, लड़का लड़की से पूछता है तेरा घर कहाँ है, तो वो बोलती है मगरे में। तो मगरा यहाँ पे एक शहर, यहाँ पे जिक्र आया स्थान का, इसे नोट करें, इससे पहले आया था अमृतसर। तो इन सभी स्थानों को जो है आप क्रम से नोट करते हुए चले, अमृतसर, मगरे, अतर सिंह की बैठक में वह मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है, गुरु बाजार आया। इन सब का आप जिक्र, इन सब को आप नोट करें जिन जिन का जिक्र यहाँ पे आया है। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदा देने लगा। सौदा देकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर
जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। यानी ये दोनों दुकान पर मिलते हैं, फिर अपना अपना परिचय देते हैं कि तुम कहाँ रहती हो और तुम कहाँ रहते हो और तुम यहाँ पे कैसे आए हो। तो ये दोनों अपने, ये जो है अपने मामा के यहाँ आए हुए होता है दोनों ही। तो यहाँ पे वो फिर लड़का, दोनों अपना अपना सामान लेकर चलते हैं, तो पूछता है लड़का लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई। यहाँ पे कुड़माई शब्द का अर्थ है सगाई से है। पर इस लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कह दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ आके स्मार्क दोनों मिल जाते हैं। कभी सब्जी वाले के यहाँ मिल जाते हैं तो कभी दूध वाले के यहाँ ये लोग मिल जाते हैं। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा तेरी कुड़माई हो गई और उत्तर में वही दत्त मिला। एक दिन जब फिर से लड़के ने वैसी हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। यानी लड़की जो है लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली कि हाँ हो गई। तो वो पूछता है कब हुई, तो वो बोलता है कल देख, तो वो बोलती है कल देखते नहीं या रेशम से कड़ा हुआ सालू। तो यहाँ पे उसकी सगाई जो है वो हो चुकी। लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। यानी जब उसने सुना कि उसकी सगाई हो गई तो फिर वो रास्ते में टकराता फिरता हुआ आया। फिर अगला जो है भाग, राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना का शहर का जिक्र आया तो इसको भी नोट करें क्रम से। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ, ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए, जमीन कहीं नहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उजल पड़ती है। इस गैबी गीले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट को नोट करें। जल जला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुनही निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लुटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और तीन दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। तो यहाँ पे पात्रों को आप एक सूची बनाइए अपने नोट्स में और पात्रों को नोट करते जाइए। तो लहना सिंह यहाँ पे पहला पात्र आपको देखने को मिल गया। जो लड़का था उसी का नाम है लहना सिंह। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सहारा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीत चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलो के जो घोड़े संगीत देखते हुए मुंह फाड़ देते हैं। तो यहाँ पे जर्मनी का भी जिक्र आया तो इसे भी नोट करें। और यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किए था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं था छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने को कामान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। बर्लिन को नोट करें, शहर को क्रम अनुसार नोट करें, पात्रों को भी क्रम अनुसार नोट करें। क्यों, सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामान है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला। सूबेदार को भी नोट करें, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं। धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। यानी यहाँ पे ये जो है लहना सिंह अब फौज में भर्ती हो गया है और ये युद्ध के बारे में बोल रहा है। आदमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जने बाल्टियों लेकर खाई का
पानी बाहर फेंको। महासिंह को नोट करें, शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चलने लगा। तो यहाँ पे पात्रों को आप नोट कर लीजिए, लहना सिंह है, सूबेदार जी हैं, फिर वजीरा सिंह है, और फिर यहाँ पे महासिंह है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, इसको भी नोट करें। वजीरा सिंह क्या था? पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और आदमी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब में भर नहीं मिलेगा। तो पंजाब को भी यहाँ पे नोट करते जाइए, शहर को क्रम अनुसार नोट करें और पात्रों को भी। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 दुना जमीन यहाँ मांग लूँ और फलों के बूटे लगाऊंगा। तो ये वाली लाइन आप नोट करें कि क्या बोल रहा है लहना सिंह यहाँ पे, कि मैं तो सरकार से लड़ाई, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धुमा जमीन यहाँ मांग लूँ और फलों के बूटे लगाने के लिए मांगता है। तो ये लाइन आप नोट कर लीजिए, लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, यहाँ वहीं दूध पिलाने वाली फरंगी मैम, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? बोधा सिंह आ गया, इसको भी नोट करें, अच्छा है। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। सिगड़ी यानी जो जिसमें आग जलती है, वो पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मादे पर जाना पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो ये वाली लाइन भी आप नोट करें, क्या कह रहा है, निमोनियों से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, इस कथन को भी नोट करें। तो मेरा डर तो मत करो, मैं तो बुलेल की खड़क के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। कीरत सिंह ने त्योरी डाल के कहा, तोड़ी चढ़ा कर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है वजीरा सिंह ने, मेरे जर्मनी और तुरक, हाँ भाइयों कैसा, दिल्ली शहर ते पिशारे नू जान दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मणिए। तो यहाँ पे ये पंजाबी भाषा में है थोड़ा सा। कौन जानता था कि दाढ़ी या वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चो का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। तो ये एक गीत आया है इस कहानी में, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, आगे और भी गीत आएंगे तो फिर प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे तीसरा भाग, दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है, बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के तीन टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, लहना सिंह के दो कंबल और बारान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कह रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरा जर्सी पहन लो, और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। तो ये कौन कह रहा है? बोधा सिंह कह रहा है, लहना सिंह कह रहा है, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए
हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुनकर भेज रही है। मैं गुरु कि उनका भला करे, यूं कह कर लहना अपना कोट उतार कर जो है बोधा सिंह को दे देता है। सच कहते हो और नहीं झूठ, यूं कहकर नहीं करे करते बोधा, उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, मतलब ऐसा कोई वास्तविक नहीं था कि कोई मैम भेज रही थी, वो केवल कथा ही थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह कौन? लप्टन साहब, लप्टन साहब को भी पात्र को नोट करे हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तान तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। तो हजारा सिंह को भी नोट करे, देखो इसी समय धावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, इन पेड़ों के नीचे नीचे दो खेत काट कर रास्ता तीन चार घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े हैं, कर आया हूँ, तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। तो ये अब उसको हुक्म मिल गया है, चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका, लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। तो जो बोधा सिंह है उसके पिताजी हैं सूबेदार जी। लहना सिंह समझकर चुप हो गया, पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कौन कोई रहना ना चाहता था, समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। कौन सुलगाने लगा सिगरेट? लप्टन साहब। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। लहना से भी उस लप्टन ने सिगरेट ऑफर की कि तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे तब उसका माथा थनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? तो यहाँ पे कोई और जो है वो घुस आया था लप्टन साहब के रूप में, शायद साहब शराब पिए हुए हैं और बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा, लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? क्वेश्चन पूछता है, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? अब लप्टन साहब और लहना सिंह के बीच में संवाद हो रहा है। नहीं साहब, शिकार के वे मजे कहाँ, याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में, जगधारी जिले को भी नोट करें आप शहर के स्थान के रूप में, जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को नोट करें पात्र को, रास्ते के एक मंदिर में जल जल चढ़ने को रह गया था, बेशक पाजी कहा, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पट्टे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट के मैच में लगाएंगे। हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया, ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। तो ये आपस में यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना है, यानी वो समझ गया कि ये इनका साहब नहीं है बल्कि कोई और है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया, कौन? वजीरा सिंह। हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दो, दी होती अब 4 भाग
होश में आओ, कयामत आई और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है, यानी कोई और घुस आया है उनकी वर्दी पहन कर। क्या लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनका वर्दी पहन कर कोई जर्मन घुस आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, साफ उर्दू बोलता था वो जो घुस कर आया था, वो साफ उर्दू बोलता था और वो जर्मन घुस कर आ गया था। तो ये जो लड़ाई है ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और जर्मन और यहाँ पे बर्लिन दो के बीच में, यहाँ पे दो जो शहर हैं उनके बीच में यहाँ पे लड़ाई हो रही है। और मुझे पीने को सिगरेट दिया, तो अब पीने को सिगरेट दिया यानी जो लहना सिंह था वो सिगरेट नहीं पीता था और लपटन साहब जो थे वो भली भांति जानते थे, लेकिन फिर भी ये जो नकली आया था इसने उसे ऑफर कर दिया। अब मारे गए धोखा है, सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है, मैं तो लपटन साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम आठ है, आठ लोग थे वो, आठ नहीं 10 लाख, एक अकेले सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। अब वो उनसे आपस में कह रहा है, तो ये कथन भी इसे नोट करें, 8 नहीं 10 लाख, एक अकेला सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तो ये किस कहानी का है, उसने कहा था कहानी में आया है। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया, उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले हैं, तो यहाँ पे उसके पास गोला भी था जो जर्मन घुस कर आ गया था, तीनों की जगह जगह खंदक की दीवारों से घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया, तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, सिगड़ी यानी जिसमें आग जलती है, बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा, यानी कि अब उसने हमला कर दिया लहना सिंह ने उस जो फर्जी वो आया था लपटन बन के उस पर, धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी, लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब की घसीट कर सिगड़ी के पास लिटा, यानी वो जो फर्जी था लपटन वो 3 जो है गोले अपने यानी बम अपने साथ लेकर आया था, 3-4 लिफाफे और डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी, लहना सिंह हंस कर बोला क्यों लपटन साहब मिजाज कैसा है, आज मैंने बहुत बातें सीखी, यहाँ यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, तो ये सभी बातें थी जो झूठी झूठी उसने उससे उगलवा ली थी। और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए, हमारे लपटन साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते। तो अब उसको शक हो गया, लहना ये सब बातें भी जो है उसने झूठी झूठी उसे बताई थी लहना सिंह को उस फर्जी ने। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी, साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डालो। लहना सिंह कहता गया चालाक तो बड़े हो पर मुझे मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए, 3 महीने हुए, तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने की तबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था, चौधरी के बड़े के नीचे मंझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वैद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विधा जान गए हैं, गो को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ
जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलहूराम भी डर गया था, मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के दो फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर साहब दौड़ आए, बोधा चिल्लाया क्या है। लहना सिंह ने उसे कहा कर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ही, घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तब तक मार रहा था, वह खड़ा था और लूटे हुए थे और वह 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थोड़े से मिनटों में। यानी जर्मन कितने थे, जर्मन जो थे वो 70 थे और ये जो लहना सिंह सिख थे वो कितने थे, 8 थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जर्मन तो 70 थे इस लड़ाई में और ये जो थे ये 8 ही लोग थे। अचानक आवाज़ आई, वह गुरुजी की फतेह, वह वाहे गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीत चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई, वह गुरुजी दी फतेह, वह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण खंदक की गीली मट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई। लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शई नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाणभट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटे से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा। तो यहाँ पे फ्रांस का भी जिक्र है। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था तो सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुनकर और कागजात पाकर वह उसकी तरह बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मर जाते। तो यानी उसने अपने साथ साथ सभी की जान जो है वो बचाई। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली और जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाही पर उसने यह कह कर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बुर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। तो यहाँ पे जो है उसने जो है भेज दिया था। बोधा सिंह ज्वर में बुरा रहा था, गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। तो जो सूबेदार हैं वो बोधा सिंह के पिता थे, यानी जो वो थी जो
सूबेदार ने जी थी उनके ये पति थे और ये इनका पुत्र था, तो ये इसलिए इनको इन्होंने वचन दिया था कि ये इनके पति और इनके पुत्र का जो है ध्यान रखेंगे, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदार ने होरा की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो उसने क्या कहा था, अब उसने मतलब सूबेदारनी ने जो लहना सिंह है उससे क्या कहा था, वही है यहाँ पे कि उसने कहा था, उसने क्या कहा था कि जब लड़ाई हो तो मेरे पति और मेरे पुत्र की जो है जान बचाना, तो वही उसने किया, उसकी जान बचा दी। तो जो उसने कहा था वो लहना सिंह ने पूरा कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी, सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, सूबेदार जो था वो सूबेदारनी का पति था, मैंने तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। तो वो कहता है सूबेदार, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। तो ये उससे कहलवा रहा है कि ऐसे कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ी के जाते लहना लेट गए, वजीरा पानी पिला दो। तो वजीरा सिंह और लहना सिंह अब यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे लहना सिंह का अंतिम समय चल रहा है, तो वो कहता है वजीरा सिंह से कि पानी पिला दो, मेरा कमरबंद खोल दे, कर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियाँ साफ हो जाती हैं, जन्म भर की घटनाएं एक ही एक एक करके सामने आती हैं और सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यानी कि यह वही लड़की है जो आरंभ में कहानी में एक लड़का और लड़की मिलते हैं, वही जो है अब सूबेदारने की पत्नी है, और जो ये है लहना सिंह ये यहाँ पे फौज में है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ। अब ये सब इसको याद आ रहा, उसकी स्मृति, अब यहाँ पे कहानी के अंत में ये जानकारी दी हुई है स्मृतियों के रूप में। तो लहना सिंह की उम्र कितनी थी ये आपको याद रखना है, 12 वर्ष का था और मामा के यहाँ आया हुआ था, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 वर्ष की लड़की मिलती थी, तो ये 8 वर्ष की सूबेदारनी थी, तो आप इसको भी नोट करें। 8 वर्ष की लड़की मिलती थी, जब वह पूछता थी कि कुड़माई हो गई तो वह धत कहकर भाग जाती थी। एक दिन उसे वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं या रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ, वजीरा सिंह पानी पिला दे। तो ये उसके अंतिम स्मृतियाँ जो है वो सब उसके सामने आ गई कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो अब उससे कह रहा है कि पानी पिला दे वजीरा सिंह से, वो उसके पास है, अब उसकी मृत्यु का अंतिम समय चल रहा है, यानी उसका आखिरी समय चल रहा है जीवन का। 25 वर्ष बीत गए, तो इन सबको कितने वर्ष बीत गए, 25 वर्ष बीत गए, सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। अब लहना सिंह 77 रैफल में जमादार हो गया, तो ये क्या था, 77 रैफल में जमादार था, उस 8 वर्ष की कन्या की ध्यान ही ना रहा था उसे, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था, और तब वह वहाँ पे मिलता है उससे। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, यानी हम भी लैम पर जा रहे हैं लड़ाई के लिए, तो तुम हमारे साथ ही चलना, हमारे घर होते जाना। तो फिर ये तीनों इकट्ठे होकर जाते हैं, सूबेदार नहीं उसे उन्हीं के घर पर मिलते हैं, क्योंकि वो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है और बोधा सिंह की माँ होती है। रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था, लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से, रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे, दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहाँ, आशीष तो सुनी। लहना सिंह चुप, मुझे पहचाना नहीं। तो लहना सिंह कहता है मुझे पहचाना, जब वो उससे घर में उससे मिलता है तब, अब ये स्मृतियाँ हैं जो उसे याद आ रही है कि वो उसके घर पे मिला था जब वो लड़ाई के लिए आ रहा था, बुलावा आया था, तो वो हजारा सिंह जी ने उन्हें अपने घर बुला लिया, तो फिर वो भी उन्हें लेता हुआ आया।
तो अब वो सब यहाँ पे याद कर रहा है। तो वो बोलती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, तो वो बोलता है नहीं, तेरी कुड़माई हो गई धत कल हो गई, देखते नहीं रेशम के बूटों वाला सालू, अमृतसर में भावों की टकरा से मूर्छा खुली, करवट बदली पसली का घाव भर निकला। तो वो उसे सारी बातें याद दिला रही है। वजीरा पानी पिला उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। तो लायलपुर में जमीन जो दी है वो सरकार ने उन्हें दी है सूबेदारनी को, तो यहाँ पे लायलपुर को भी नोट करें। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तमीमों की एक घंगरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे एक बरस हुआ है, उसके पीछे चार और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी अब उसे अपने हिस्ट्री बता रही है कि उस चार बच्चे और हुए थे, वो भी जी ना ही पाए, केवल एक ही पुत्र है। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, तुम्हें याद है, अब यहाँ दोनों जाते हैं यानी दोनों लड़ाई में जा रहे हैं, पुत्र भी और पति भी। एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। और वो बचपन की जो बात हुई थी वो याद कर रहा है कि उनके घर पे क्या हुआ था। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था, ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। तो उससे उसने ये सब कहा था जो हमें कहानी के अंत में मिल रहा है कि इन दोनों को बचाना, जैसे तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, तो यहाँ पे उसे स्मृतियाँ याद आ रही है और वो मृत्यु के अंतिम क्षणों में, और वजीरा सिंह को पानी पिला भी बार बार बोलता जा रहा है और सारी चीज़ें उससे वर्णन करता जा रहा है वजीरा सिंह से। तो यहाँ पे वजीरा सिंह पानी पिला, बीच बीच में ये भी आपको देखने को मिलता है, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रख के वजीरा सिंह बैठा, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया, हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस, अब के हार्ड में यह आम खूब फूलेगा, चाचा भतीजे दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप के टपक पड़े। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, कुछ दिन बीत गए अब, और अब अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम 38वीं सूची मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। तो यहीं पर आपकी कहानी जो है वो समाप्त तो होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।